लोकसभा चुनावों के रुझान जनता के सामने आ रहे हैं, जिनमें एनडीए गठबंधन को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रुझानों की माने तो बीजेपी ने 284 सीटें लाकर अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर ली है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो अब रुझानों में गठबंधन ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं यूपीए 101 सीट पर बिछड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं अन्य के खाते में 101 सीटें जाती दिखाई दी। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी पर गठबंधन हावी दिखाई दिया। हालांकि सीटों के लिहाज से बीजेपी यहां से भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जैसी संभावना बीजेपी देख रही थी वैसा यहां होता दिखाई नहीं दे रहा, और न ही बीजेपी 2014 के परिणामों तक पहुंच पाई है। गौर हो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि इस बार यूपी में बीजेपी 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 74 सीटें अपने खाते में शामिल करेगी। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करते हुए 80 सीटों में से 72 अपने नाम कर ली थी। लेकिन उपचुनाव में बीएसपी और एसपी द्वारा गठबंधन का फॉर्मूला काम आया, जिसमें बीजेपी को सभी 3 सीटें गंवानी पड़ी, जिसे देखते हुए 23 साल बाद एक बार फिर से दो पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ और बीजेपी को 55 सीटों पर ही समेट दिया गया। हालांकि ये अभी तक रुझान है, लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी इन रुझानों को सीटों में बदल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउस।